अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है, मैं बना रही हूँ निहारी, जिसे पाया भी बोलते हैं, निहारी भी बोलते हैं। तो मैं इसे वॉश कर रही थी, वॉश करते करते सोच रही थी कि मैं इसे पूरी तरीके से क्लीन कैसे करूँ। फिर मैंने अपनी मम्मी को पूछा, मम्मी ने बहुत अच्छा मुझे सलाह दी कि इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, गेहूँ का आटा जो होता है, गेहूं का आटा इसमें डालकर हम अच्छी तरीके से मसल कर इसका जितना भी मिट्टी, बाल या कुछ काला लगा हो, ब्लैक ब्लैक, तो वो पूरा चला जाएगा, मम्मी ने बोला था। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से साफ हो गया। तो मैं बनाऊंगी पाया निहारी और आपको बताऊंगी रेसिपी। फ्रेंड्स ये देखो, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसमें फुल इसमें भर दिया था पाया। उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची, नमक और गरम मसाला ऐड करके मैं इसको एक साथ चढ़ा दूंगी। एक्चुअली बहुत फुल हो गया, मैं इसको हिला भी नहीं पा रही हूँ। तो अभी हमको इसको स्लो आंच पे रखना पड़ेगा, जब वो स्लो स्लो मिक्स हो जाएगा अपने आप। तो मैंने चढ़ा दिया है फ्रेंड्स, अब आधे एक घंटा, हाँ एक घंटा उसको चलने देंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो मैं अभी फ्री हुई हूँ किचन से। जैसे देखिए आपने के पाया लेकर आई, फिर मैंने उसको साफ़ किया। मैं पहले सोच रही थी कि कैसे साफ़ करूँ, मीनिंग साफ़ ही मिलता है लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा यू नो रह जाता है। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला उसमें हम गेहूं का आटा अच्छी तरीके से मिलाकर, हाथों को इस तरीके से मसल कर उसमें पाया को, तो वो बहुत, उसके ऊपर अगर कुछ ब्लैक बाल, कुछ मिट्टी जलावा या तो फिर क्या बोलते हैं, हाँ बारीक बारीक हड्डी जो भी है उससे निकल जाता है। तो ऐसे अगर यहाँ पे ठंड इतनी हो गई है फ्रेंड्स, हैदराबाद में अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई है, बड़ा मज़ा आता है विंटर में। मुझे तो ये सीज़न मॉनसून का, विंटर का बहुत पसंद आता है, ठंडी ठंडी गरम गरम चीज़ें खाना वगैरह, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता होगा आई एम श्योर। तो मैंने सब एक साथ डाल के, एक्चुअली यहाँ के लोग और अलग तरीके से भी बनाते हैं, जैसे कि खोपरा वगैरह पीसते हैं उसमें और भूनते हैं, पहले प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, अच्छी तरह फ्राई करके फिर उसके अंदर खोपरा, गरम मसाला, तली हुई प्याज, कुछ लोग दही भी ऐड करते हैं। मुझे ये वाला तरीका भी आता है लेकिन मुझे सिंपल तरीके से चाहिए था। अब मैंने थोड़ा सा टमाटर, थोड़े से प्याज जो ऊपर नज़र आ रहा था, बस नीचे तो पूरा वो पाया था, हड्डी थी, नहारी क्या कहते हैं आप लोग, वही। तो इस तरीके से भी बनता है लेकिन मुझे सिंपल खाना था। जब ये पूरा मॉइस्ट हो जाएगा टमाटर प्याज, नज़र नहीं आएगा, अच्छे से मैश हो जाएगा, इसके साथ गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया, अदरक लहसुन नमक मिर्ची हल्दी ये सब मैंने ऐड कर दिया। तो ये जब अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी तो ये सूप की तरह बन जाएगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है और नान के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे नान की रोटी बोलते हैं हैदराबाद में, बहुत टेस्टी होता है, तो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गेहूं की रोटी के साथ और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं दोनों के साथ ट्राई करूँगी। इसको अभी टाइम लगेगा क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि वो फुल भर चुका है। मैं गई थी चार पाया लेने गई तो ये पाया का दाम तो ऐसे आसमान छू रहा है ना, 300 में चार। तो मैंने क्या किया, चलो वैसे भी बड़े बड़े तो थे ही, तो मैंने दो ले लिया, दो लेकर अच्छे पीसेस कर लिए, वही पूरा कुकर फुल हो गया। तो इसलिए तो मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, सिंपल सिंपल सा खाएंगे, मज़ा आएगा। आप लोग सीजन शेयर करूँगी, दिखते रहिए आगे आगे। तो फ्रेंड्स बन चुका है, मैंने पहली बार तेल नहीं डाला, मैंने ऑयल इसमें ऐड नहीं किया था, तो भी ये इतना ऑयली होता है। हम हर बार क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, एक चम्मच क्यों ना हो, जस्ट ऐसी मीनिंग एक चम्मच क्या, दो तीन चम्मच लोग डाल के प्याज भूनते हैं, मसाला भूनते हैं, फिर पाया गलाकर उसमें डालते हैं बॉईल करके, लेकिन मैंने तो एक साथ कर दिया था और अब देखिए कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इतना यमी बन गया है, मीनिंग इतना अच्छा दिख रहा है कि ये देख कर ही आप लोग पहचान सकते हैं कि ये बहुत टेस्टी होगा। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैंने इसको नहारी जैसा पतला बनाया था, जो कि नान के साथ, रोटी के साथ ज़्यादा ज़्यादा डाल के मज़ा आ जाए। तो अब मैं इसमें डालूंगी कोथमीर, पुदीना और फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो अभी मेरा धुल रहा है फ्रेंड्स, देखिए कपड़े धो रही थी मैं, मेरा बन चुका सालन। अभी हमारी जो पड़ोसी है, जो मेरी फ्रेंड भी है पड़ोसी भी है, दोनों ने दिया है ये मीठा सेवैयाँ, क्या बोलते हैं आप लोग, और ये है बिरयानी, देख सकते हैं, तो यम्मी यम्मी हैदराबादी बिरयानी एंड सेवई का मीठा, ऐसे, हाँ ऐसे ही बोला जाता है।
तो मैं अपने काम को रोक कर पहले ये थोड़ा टेस्ट कर लूँगी, फिर मैं कपड़े धोऊंगी, मतलब कपड़े तो मशीन धुल रहा है, देखती रहूँगी, चेंज करना होता है, आपको तो पता है। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, तो आज है जुम्मा, फिर आ गया जुम्मा, मीनिंग मुझे बीच में टाइम ही नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं बिज़ी रह रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं जा रही हूँ अपने कामों से। तो मैं ऐसे ही दुआ पढ़ के बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे, जब भी वो परेशान होते थे या फिर कोई भी बीमारी होती या फिर कुछ भी उनको तकलीफ़ रहती या उदास रहते, तो वो ये पढ़ते, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका व अस्तगीस। तो ये पढ़ने से बहुत उनको रिलैक्स फील होता था। जो लोग हमेशा शो कराते रहते हैं कि हाँ हम इतनी टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, हम तहज्जुद की नमाज़ भी नहीं छोड़ते हैं, हम ये हम वो, दूसरों की बुराई करने में ये लोग पीछे नहीं हटते, खुद को पता नहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं, बुराइयाँ करते हैं, उनके पीठ पीछे उन पर हंसते हैं। तो वैसे लोगों से तो कई ज़्यादा हम अच्छे हैं, जो भी कहते हैं सामने कहते हैं, किसी का दिल में मतलब ऐसे नहीं करते कि वो हमारे से बहुत कम है, हम उनसे बहुत ऊँचे हैं, वो ऐसे है वो वैसे है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत क्या कहते हैं पर्दे वाले हैं, हम तो बहुत अल्लाह वाले हैं। तो वो लोग, उनको कैसे पता कि वो लोग वो है? जब तक अल्लाह ताला की नज़र में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है इंसान की नीयत। जब इंसान की नीयत में एक खोट है, वो इंसान को किसी को ज़्यादा ऊंचा, किसी को ज़्यादा नीचा, किसी से बहुत अच्छा तो किसी से बहुत बुरा, किसी के पीठ पीछे बहुत बुराई तो किसी के मुंह पर बहुत मीठे, तो वैसे लोग इंसान को, ऐसे इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, अल्लाह को ऐसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उनको क्या, उनको तो ऐसा लगता है कि हम तो बड़े अल्लाह वाले हैं, हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं, हम तो बस पढ़ते रहते हैं और दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो क्या फ़ायदा है तुम्हारे ऐसे पढ़ने का। तो बस मुझे ये शेयर करना था, तो आप लोग भी दुआओं में याद रखिए, हर किसी के साथ अच्छे रहिए, सामने से ही नहीं पीठ पीछे भी अच्छे रहिए। बैक बाइटिंग जो इंग्लिश में बोलते हैं और जो उर्दू में बोलते हैं गीबत करना, जो जैसा होता है गीबत करता है, वो दूसरों को भी यही समझता कि हाँ वो भी ऐसा ही करता होगा, करती होगी, तो जो जैसा है ना वो सामने वाले को वैसा ही सोचता है। तो अपनी सोच, अपनी नीयत और अपने दिमाग को अच्छा रखिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए जैसा आप आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, इसका मायने है ऐ हमेशा ज़िंदा रहने वाले, मैं तेरी रहमत से मदद चाहता हूँ। तो कितनी प्यारी बात है, तो कितनी मदद हमको मिलेगी माशाल्लाह से। A few moments later. Happy anniversary, mummy. Thank you. तो friends, आज हमारी शादी की सालगिरह स्टार्ट हो गई, 12 बज रहे हैं देखो, लेकिन अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं, बस ये उन्होंने केक भेज दिया है, इस केक का क्या मैं अचार बनाऊँ? बिना हस्बैंड के एनिवर्सरी कैसे मनाऊँ? तो इसलिए इसको मैं रख दूँगी अभी फ्रिज में, या तो फिर 1 बजे तक आ जाएंगे तो फिर हम रात को 1 बजे कट करेंगे। लेकिन मोहम्मद अली को तो आ रही है नींद, मुझे थोड़ी ना नींद आ रही है, दिख तो रहा है नींद में नहीं, तो ये लगता है सोने वाला है, इसको मैं रखूंगी फ्रिज में, देखते हैं क्या होता है, कब तक आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे हस्बैंड मिलकर गए, रात के बज रहे 1, अभी 1:10 कम है, तो अभी उनकी मैडम और उनके बॉस सब आए थे मुझे एनिवर्सरी विश करने, तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर, इतने प्यार से मिले और इतने हम्बल और इतने काइंड है, मीनिंग क्या बोलूँ मैं, तो बहुत ही अच्छे दिल के थे, मिल के गए अभी, बहुत ही प्यार से मिले, ऐसा फील नहीं हुआ कि यू नो जब कोई बहुत अमीर होता है तो किस तरीके से मिलता है, लेकिन बहुत ही प्यार से एनिवर्सरी विश करके गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। अभी तक लेट आया आज भी मोहम्मद अली, आपका अभी तक वेट किया, फाइनली सो गया हो? नहीं नहीं, गहरी नींद, हाय गहरी नींद में उठा मत, एयरपोर्ट पे लेट हो गया थोड़ा, मैं भी बहुत वेट किया आपका फ्रेंड्स, देखो ये अभी आ रहे, रात के बज रहे हैं,
एक दस है तो यहाँ का जो फेमस नीलोफर बेकरी है जो कि सबको पता है नीलोफर बेकरी, तो देखो कितना यमी नज़र आएगा आप केक, मेरा फेवरेट। ये एनिवर्सरी का केक है फ्रेंड्स, मोहम्मद अली वेट कर करके सो गया है इसलिए मैं भी नहीं काटने वाली हूँ केक। माशाल्लाह कितना प्यारा है ये हार्ट्स, हैप्पी एनिवर्सरी। तो फ्रेंड्स अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो इसके आगे आगे देखिए कि हम किस तरह हमारी एनिवर्सरी को मनाते हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें।